स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साथ पारुल यादव। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अब नाबार्ड ने कृषि मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब नाबार्ड द्वारा मास्क तैयार किए जा रहे हैं जो गरीबों और कृषि मजदूरों तक निःशुल्क पहुँचाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये योजना नाबार्ड की देखरेख में चंपारण युवा कल्याण सोसाइटी द्वारा संचालित नैब स्किल सिलाई केंद्रों में चलाई जा रही है। नाबार्ड का उद्देश्य है कि इस वक्त कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे देश की पूरी तरह से मदद की जाए। जानकारी के अनुसार इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गरीब महिलाएं दिन रात काम करके मास्क तैयार कर रही हैं, जिनको गरीबों और कृषि मजदूरों तक निःशुल्क पहुँचाया जाएगा। नाबार्ड की माने तो इन मास्क को एकदम सुरक्षित कपड़ों से तैयार किया जा रहा है, जिन्हें गरीब कृषि मजदूर समेत पुलिस कर्मियों को भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी नाबार्ड द्वारा दी जाएगी। देश भर में चल रहे लॉकडाउन का असर मंडियों में फलों और सब्जियों की आवक पर भी पड़ता नजर आने लगा है। एक जानकारी के अनुसार मंडियों में इस समय फलों की आवक 75 से 80 फीसदी तक कम हो गई है, तो वहीं सब्जियों की आवक में भी 50 से 60 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। तो वहीं लॉकडाउन के कारण दिल्ली के आजादपुर फल और सब्जी मंडी में फलों की आवक घटकर मात्र 20 से 25 फीसदी ही रह गई है। फल कारोबारियों की माने तो कोरोना वायरस के कारण लोग रेडी और पटरी से फल खरीदने से बच रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्यों की छोटी मंडियों में भी माल नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी भी माल नहीं मंगा रहे हैं। फल विक्रेताओं के अनुसार लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर फलों की आवक पर पड़ता नजर आ रहा है। लॉकडाउन से पहले जहां मंडियों में संतरे के 35 से 40 ट्रक आ रहे थे, तो वहीं अब लॉकडाउन के बाद 5 से 60 ट्रकों की आवक ही हो पा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे में अगर सब यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में शहरी लोगों को फल और सब्जियों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ लॉकडाउन से कृषि पर पड़ने वाले असर की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी, जहां किसानों को इस दौरान कई तरह की छूट देने के फैसले लिए गए थे। लेकिन इसी बीच झारखंड के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। आपको बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार 10,000 रूपए प्रति किसान का पैकेज दे। तो वहीं झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा हर दिन 1,30,000 लीटर दूध संग्रहित किया जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते मात्र 35,000 लीटर दूध की ही बिक्री हो रही है, जबकि बाकी दूध को गरीबों के बीच बांटे जाने की जरूरत है, जिसके लिए मिल्क फेडरेशन को हर महीने 12 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। इस तरह से झारखंड को कुल 6 महीने के लिए 72 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाए। वहीं प्रदेश में चलाए जा रहे दीदी किचन के लिए हर महीने 13 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि झारखंड सरकार अपने स्तर से किसानों को हर संभव मदद पहुंचा रही है, लेकिन उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार की भी मदद की पूरी आस है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।